हमीरपुर जिला में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते अब जिला प्रशासन ने केस फाइंडिंग को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष बूथ स्थापित किए हैं, जिन बूथों पर कोई भी व्यक्ति जाकर अपने सैंपल दे सकता है। जिला में 8 अस्पतालों एवं 1 दर्जन विशेष स्थानों में स्थापित किए गए बूथों में निःशुल्क जाकर सैंपलिंग करवाई जाएगी, जिससे कोरोना बीमारी के मामलों का पता लगाने में आसानी होगी। हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 हीरानगर में रेस्ट हाउस में स्थापित सैंपलिंग बूथ में इच्छुक लोगों ने सैंपल करवाए हैं। वहीं मरीजों को मौके पर ही टेस्ट की रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे तुरंत कोविड-19 का पता भी लग पा रहा है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भी काम हो रहा है। नोडल अधिकारी कविश खन्ना ने बताया कि स्पेशल बूथ में लोगों की कोरोना सैंपलिंग की जा रही है और इसके लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर ही कोरोना की रिपोर्ट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये कदम स्वास्थ्य विभाग ने उठाया है और इससे लोगों को भी सहूलियत मिल रही है। अभी तक सुबह से यहाँ टेस्टिंग हम कर रहे हैं। ये प्रशासन ने जो है ये एक कियोस्क बनाया है सैंपलिंग के लिए, MC एरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ रोज 11 से लेकर 2 बजे तक सैंपलिंग होती है। तो हम रैपिड एंटीजन करते हैं जिन लोगों को सिम्टम होते हैं, और जिन लोगों को सिम्टम नहीं है या जिन लोगों ने कहीं बाहर जाना है उनके लिए RT-PCR जैसे कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन है वैसी सैंपलिंग होती है। तो अभी सुबह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, 2 लोग अभी पॉजिटिव निकले हैं और बाकी लोगों का भी हो रहा है टेस्ट, साथ साथ रिपोर्ट दे रहे हैं। जिन लोगों को, जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको होम आइसोलेशन या DCHC सेंटर में भेजते हैं और फिर यहीं से दवाई दे देते हैं। कल कितने टेस्ट हो चुके हैं पूरे आज के अभी तक 20-22 सैंपल जो हैं वो टेस्ट हो चुके हैं अभी तक। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में हमीरपुर जिला में लगातार दर्जनों कोविड पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते अब हमीरपुर जिला प्रशासन ने कोविड-19 को रोकने के लिए सार्थक पहल की है, जिसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं और लोग भी इन बूथों पर जाकर सैंपलिंग करवाने के लिए आ रहे हैं। कोविड-19 सैंपलिंग के लिए जिले के 8 अस्पतालों एवं स्थानों पर विशेष बूथ स्थापित किए गए हैं। इन बूथों पर सैंपल देने के लिए समय निर्धारित किया गया है तथा नोडल चिकित्सा अधिकारी तैनात किए गए हैं और कोई भी व्यक्ति निर्धारित समय अवधि में इन बूथों पर जाकर कोरोना टेस्ट के लिए अपना सैंपल दे सकता है। हमीरपुर जिला में वर्तमान में 286 एक्टिव मामले हैं और अब तक 34 लोग कोरोना बीमारी से मौत का ग्रास बन चुके हैं।